अस्सलामुअलैकुम। हम मजमून खेले करे और सीखे में सबक पढ़ रहे हैं हरकात व सकनात। हरकात व सकनात के पहले हिस्से में हमने देखा मुख्तलिफ हरकात के बारे में, दूसरे हिस्से में हमने देखा मुख्तलिफ खेलों के बारे में, कबड्डी, गिलोरी और जिमनास्टिक। इस हिस्से में हम देखेंगे कि जिस्म के हालात कौन से होते हैं और उन हालात में हम कौन से काम करते हैं। जैसा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत से काम करते हैं और उन कामों में हमारे जिस्म की मुख्तलिफ हालात होती है। जैसे सबसे पहले हम खड़े रहते हैं, ये एक हमारे जिस्म की हालात है। हम चाहे कैसे भी खड़े रहो, हम चाहे सावधान की हालत में खड़े रहो या फिर हम विश्राम की हालत में खड़े रहो या हम किसी से बातचीत कर रहे हो या हम कोई काम कर रहे हो जो खड़े रहकर, ये जिस्म की एक हालत है खड़े रहना। उसके बाद पैदल चलना, पैदल चलना भी एक जिस्म की हालत है। हम ग्राउंड में पैदल चलते हैं, हम हमारे घर में पैदल चलते हैं, हम सीढ़ियों पर चलते हैं, यहाँ तक हम प्लेन जगह पर या फिर किसी पथरीली ज़मीन पर भी पैदल चलते हैं। तो पैदल चलना ये एक हमारे जिस्म की हालत है। इस जिस्म की हालत से भी हमारी जिस्म को तंदुरुस्ती मिलती है, हमारा जिस्म सेहतमंद रहता है। उसके बाद बैठना, बैठना भी एक जिस्म की हालत कहलाती है। अब बाज औकात हम कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, बाज बच्चे जो होते हैं वो नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं चटाई वगैरह पर। हम खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, बैठकर खाते हैं, है ना, चेयर पे भी बैठ के खाते हैं, नीचे भी बैठकर खाते हैं। इसी तरीके से बैठना भी एक जिस्म की हालत है। उसके बाद सोना, सोना भी एक जिस्म की हालत है। हम लेटे रहते हैं, बेड पे लेटे रहते हैं, हम चेयर पे बैठे बैठे सो जाते हैं, जमीन को दीवार पे टेक लगा के हम बैठे बैठे सो जाते हैं। लेकिन वो बैठना एक अलग हालत है और लेटे रहना, उसको सोना, ये एक अलग हालत है। तो रात में सोना या दिन में सोना, बेड पे सोना या जमीन पे चटाई डालकर सोना, बिस्तर पे सोना, लेकिन सोने की जो हालत है वो हमारे एक जिस्मानी हालत कहलाती है। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी तरीके से इन सब जिस्मानी हालात को हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते रहते हैं। इसके अलावा बच्चे खेलते हैं, बैठे बैठे गाड़ियाँ चलाते हैं, हम बाहर जाते हैं देखते हैं, साइकिल चलाते हैं, है ना, पौधों को झुककर पानी देते हैं, कोई चीज़ हम नीचे से उठाते हैं, झुकते हैं, झुकना भी एक हालत है। तो ये सब हमारी जिस्म की हरकात व सकनात के अंदर आती है, जिस्मानी हालत जिसको हम अपने जिस्म के ज़रिए अदा करते हैं। और इन सब हालातों को अदा करने की वजह से हमारे रोज़मर्रा के काम भी होते हैं, हमारा जिस्म तंदुरुस्त भी रहता है और हम सेहतमंद भी रहते हैं। तो समझ में आया हमारे जिस्म की हालात कौन कौन सी है? शुक्रिया।